ओके सो वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है पंजाब बिरल टीवी। मैं तुहाडा दोस्त नवीत सिंह। पाकिस्तान की एक छोटी जी प्यारी जी नन्नी जी एक कुड़ी है जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, बड़ी क्यूटू जी वीडियो बनाउंदी है, तो उहदी उर्दू है ना जिहड़ी वह लाजवाब है, जबरदस्त उर्दू वह जिहड़ी बोलती है। पर अज तुहानू पता अज हैगी 25 तरीक, अज इधर इंडिया दे विच शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज़ हो चुकी है। पठान फिल्म ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियों का सामना करना पाया, बायकॉट बॉलीवुड का सो कॉल्ड हैशटैग जरा ट्रेंड किया गया, कई सारे इधर के लोग है जिहड़े मतलब कि इदा ही बस एवं ही मगर पे है, मतलब क्योंकि वह एक मुस्लिम है ता करके उन्हां दी वीडियोज़ नूं उन्हां दी फिल्मां नूं इदा ही बस उन्हें मगर पे है। ठीक है, सो ये बाबत एक धरू राठी की मुंडे की वीडियो तुसीं वो भी देख सकते हैं, पूरा उहदे च सारा कच्चा चिट्ठा खोलिया हुआ इन्हां दा। सो फिल्म पठान ते फातिमा दी की गलबात हुई है, कि नुक झोंक है जां उहदे बारे उहदी की ऑब्जरवेशन है जां की एंटीसिपेशन है फिल्म नूं लैके, आई डोंट नो, बट देखदे हां इस वीडियो दे विच, फाइंड आउट करदे हां। आजो वीडियो देखो पूरी बिल्कुल एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब। आजो फातिमा हीटर के अंदर ही घुस जाओ, ठंड बहुत, इतनी करीब नहीं बैठते, उस पे से गैस उठती है, पीछे होके बैठो। घंटे से हीटर से जुड़ के बैठी हुई है बेवकूफ। आज तो पहली बार गल मन गई भी बिना कोई बहसबाजी किए। वालिदा हम कुछ सोच रहे हैं। आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सोच रही होती हैं। क्या सोच रही हैं? संगीन सी बात एक सोच रहे हैं वालिदा। आप सुनेंगी तो आप वालिदा हम पे गुस्सा ना होइएगा, पहले बात हमारी सुनिएगा पूरी। हाँ, हम बहुत ही तहम्मुल से आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कहिए क्या मसला है आपका। अम्मी, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक गीत सुना, नया गीत आया है। हाँ। गीत है, वो आपने उसका नाम था उसमें शाहरुख खान थे जी। उस गीत का नाम था बेशरम रंग। हाँ। आपने वो देखा कि सुना? देखिएगा ना, सुन लीजिए। मैंने उसे सुना तो उसके अंदर एक वालिदा लफाजी की गलती है। अच्छा, लफाजी की गलती। अब आप गीतों में से गलतियां निकालेंगी, इतनी मशहूर फिल्म हो रही है। समझ तो आ गई है ना, आगे समझ, जो पठान फिल्म का गाना है जी, 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 हमें जी, तो कुछ लूट लिया। हाँ, हमें तो लूट ये वाला। हाँ, अब इसमें आपको कोई गलती लुगत की लगती है? लुगत की गलती वाले था इसमें ये है, देखिए वो क्या गलती है। देखो भी मैं गाना देखा नहीं गा, ठीक है, सुनिया नहीं गा, बट जी कॉन्ट्रोवर्सी हुई सी भगवा कहते हैं ओरेंज कलर नू, ओरेंज कलर उन्हें पाया, इधर जो कुछ सनातनी है वह कहते हैं कि भी इन्हें गुस्ताखी की है भगवा कलर पा के, लेकिन वो सो कॉल्ड एक फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। नहीं तो कलर तो कोई माड़ा नहीं होंगे, इस तरह देखिए तो बाकी कलर्स भी किसी ना किसी चीज़ को रीप्रजेंट करते हैं। सो एंड जो खुद BJP दे जा होर कोई पोलीटिकल लीडर ने सेम कलर पा के इदा का कुछ बोलिया, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं। जो कोई फिल्म स्टार करे दैन प्रॉब्लम है, ये दोगले लोग इतने बहुत पे है जो आप अब उन पे हम क्या कह सकते हैं आपको, क्या कहें आपको, वो सतर गा के सुनाए कि ऐसे ही बता दे, हमें सतर बता दे जी हम आपको। अब आपकी इसमें क्या परेशानी है, वो इंडिया की मूवी है, उन्होंने जो गाना बनाया। नहीं वालिदा, देखिए हमारे लोगों तक, हमारे जिन लोगों तक हमारा बरकी पैगाम पहुंचता है उनको हमारे गलत तलफ्फुज़ नहीं सीखना चाहिए, उन्हें गलत बयान नहीं हमें उन्हें सिखानी चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए कि वो सही उर्दू सीखे। यार कुड़ी दी उर्दू वाकई सोनी है। उर्दू की जिम्मेदारी जो हमारे इन कांधों पे आ गई है, लोगों की नजर में हम उर्दू की उस्तानी साहिबा बन चुके हैं, हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। आप तसी चाहते हैं, क्या उसमें ऐसी गलती हो गई? उसमें एक सतर है, नशा चढ़ा जो शरीफी का, नशा चढ़ा जो शरीफी का। लफ्ज होता है शराफत, शरीफी लफ्ज नहीं होता। हाँ। शरीफी लफ्ज नहीं होता। अब उन्होंने कहा है, अब देखिए अगर उन्होंने वजन रखना था, वजन पे शरीफी आ रहा होगा, वजन पे शरीफी नहीं वालिदा, शरीफी के साथ शराफत भी आ रहा है। गा के बताइए। नशा चढ़ा जो शराफत का उतार फे। अब उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने कहा है, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फे। अब आपकी क्या परेशानी? शरीफी का, अब शरीफी और शराफत, शरीफी गलत है शराफत सही है। अब अगर आप किसी को कहें कि अब जो कोई, अगर आप किसी को किसी की शराफत की मिसाल दे रहे हैं, शरीफी पंजाबी ऐसे गीत के जरिए तो आप लफ्ज सीख जाएंगे शरीफी,
यानी इतने मशहूर गीत से लोगों को लगेगा शरीफी ही से। शरीफी ही लफ्ज है। उफ, ये तो बहुत कठिन मरहला या यार वाकई भाई ये पॉइंट आउट उन्होंने बहुत सही किया है। कई बार आपां कहिंदे आ तू तेरी देख ली मैं तेरी शरीफी है, ये पंजाबी जिदा असीं यूज करते हैं शरीफी वर्ड असीं पंजाबी च यूज करते हैं ठीक है। शराफत कदे नहीं यूज़ किया, शराफत मेरे ख्याल आ गया उर्दू का वर्ड, शरीफी शायद पंजाबी का वर्ड है। देखो यार पंजाबी लैंग्वेज असीं खुद बोलते हैं पर फिर भी इन्नी क जड़ी मिलावट हो चुकी है पंजाबी च कि खुद नूं नहीं मैनूं समझ आ रहा कि शरीफी वर्ड पंजाबी है या नहीं। सो बॉलीवुड वालों का यह तो हमेशा रहा किरदार एक कि जदों वो कोई गाना मतलब कि बनाते हैं मेक करते कंपोजिशन तैयार करते हैं तो उन्होंने लिरिक्स के हमेशा कोई ना कोई वो पंजाबी वर्ड जरा वार देंगे ठीक है। सो मे बी दैट्स वाई उन्होंने वो रखा होगा जेकर इतने मतलब उन्होंने पंजाबी वर्ड यूज़ किया, अदरवाइज यह एक मिसटेक है आपके कानों पे। जीडी की छोटी जी बच्ची ने फड़ी है। वाह, कि आप इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है उसे आप हाँ। एक दरख्वास्त लिखें और कहें जो भी आप गाना कहते हैं कि ये सही है वो पहले फातिमा को सुनवाएं क्योंकि ये उर्दू लुगत की गलतियां निकाल रही हैं। और ऐसा की कंटेंट रीडिंग ली पे जो इधर प्रूफ रीडिंग ली सिद्धार्थ आनंद चाचा चाचा जान को भी खत लिख दीजिए कि आपसे ये गलती सरजद हो गई है। तो आप ऐसा करें कि हमसे कुछ इसका क्या करें, मदावा करें। अब यही हो सकता है। आप देखिए हमने आपको पहले ही कहा था आप तंज ना करिएगा। तंज ना करें तो अब हम क्या करेंगे आप? तो वालिदा देखिए उर्दू की तौहीन है उसके गलत इस्तेमाल करना। अगर शराफत लफ्ज है तो शराफत ही आना चाहिए चाहे वजन में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब उर्दू की प्रोफेसर साहिबा से तो ये बर्दाश्त होगा नहीं। उर्दू की प्रोफेसर इंग्लिश का लफ्ज हो गया, क्या कहेंगे उस्तानी साहब। हाँ अभी आप खुद मराए अफजल उस्तानी साहिबा वैसे मराहिल में है, जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है। तो अब आप हाँ। क्या करेंगी फिर? हम क्या करें? हम किसी दीवार में सर मार लें? हम क्या हम करें? सोच रहे हैं कि उस गीत के जो शायर हैं उसको उनसे राबता करें। केस तो बात तो सुन लीजिए। हमने एक बरकी पैगाम भेजेंगे हाँ जी कि आपने ये गलत तलफ्फुज का इस्तेमाल गलत है लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। आपको चाहिए कि आप अपनी अवाम को ये साफ साफ बता दें कि खुदारा इस लफ्ज को शरीफी को ना सीखे, शराफत है लफ्ज। अब मुझे इजाजत देंगी आपके? मैं क्या बात है यार, सीरियसली इस कुड़ी दी ना छोटी जी बच्ची दी उर्दू ते जड़ी पकड़ है ना वो काफी मजबूत है। किते मेरा रिएक्शन ना यह देख ले नहीं तो उन्हें मेरिया भी बड़िया सारिया कमियां काट के तुहाडे सामने पेश है, खिदमत कर देनी है। सो देखो यार हुण देखो शरीफी वर्ड शायद पंजाबी दा ते बॉलीवुड वालों की आदत है कि वह पंजाबी वेच हमेशा धक्के वाड़ते हैं अपने गाणियां दे वेच अपने फिल्मों के डायलॉग्स दे वेच फिल्मों दे वेच वो हमेशा पंजाबी नूं अगे लैके आउंदे है, मतलब अगे नहीं लैके आते इन द सेंस के पंजाबी टच यूज़ करते हैं। वो किसी भी बेस हो सकती है, कोई एक्टिंग हो सकती है, डायलॉग्स हो सकते हैं, स्टोरी हो सकती है, कोई गाने का कोई बोल हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके नाल उहदे बिना उन्होंने पंजाबी टच तो बिना उन्होंने फिल्म ही अधूरी लगती है। सो एनीवेज ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਊਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਕੜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਗਲਤ ਗਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਵਿਦ ਹਰ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੇਖਣ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕਿਊਟ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ। ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।